राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। कोरोना की बीमारी से अकाल मृत्यु प्राप्त होने पर उनकी आत्म शांति एवं तर्पण के लिए श्री हित हरिवंश कल्याण समिति मध्य प्रदेश द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ हुआ, जहां कलश यात्रा देवी के बाग रविवार को निकाली गई और एक निजी गार्डन में पहुंची या भागवत कथा प्रारंभ हुई। इस अवसर पर समिति के सभी वरिष्ठ गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एडीएम वृंदावन सिंह पहुंचे और भागवत कथा की आरती कर धर्म लाभ लिया। वहीं इस संबंध में आयोजकों द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। द्वारा जो आयोजन रखा गया है भगवत कथा का, वाकई में समिति ने बहुत अद्भुत प्रयास, जो कोरोना काल में जो मृत्यु हुई है उनकी आत्म शांति और उनको तर्पण देने का जो भगवत कथा के माध्यम से आयोजन किया है, मैं समिति के सभी सदस्यों को बहुत बहुत आभार करता हूं, धन्यवाद। मैं कोषाध्यक्ष श्री हित हरिवंश कल्याण समिति, और हमारी समिति ने निर्णय लिया था कि पूरे देश में, पूरे विश्व में जो कोरोना महामारी से अकाल मृत्यु हुई हैं, बहुत से ऐसे हुए हैं जिनके पिताजी का, माताजी का अच्छे संस्कार नहीं हो पाया, किसी को अस्थियां भी नहीं मिली, कुछ कुछ तो ऐसा भी हुआ है कि किसी की अस्थियां कोई और विसर्जन कर रहा है। तो कई आत्माएं हैं जिनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाई है गुरुवर के अनुसार, तो उन सभी के मोक्ष की कामना करते हुए हम ये एक निर्मल कार्य कर रहे हैं। केवल विदिशा जिले के नहीं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि विश्व के सभी समस्त आत्माएं जो दिवंगत हुई हैं, सभी को अपने चरणों में स्थान दे हमारी भागवत कथा के माध्यम से। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके बारे में क्या विचार है आपके? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और ऐसे आयोजन होने चाहिए। हमारे यहाँ के विदिशा वासी, हमारे छोटे छोटे भाई बंधु लोग बहुत अच्छे, कोरोना में जिन लोगों का देहांत हो गया था, उनका कुछ संस्कार नहीं हो पाया, उनके बच्चे उनका कुछ नहीं कर पाए, इसलिए ये सब आयोजन किया जा रहा है।